हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत दुर्भाग्य और चिंता की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की किताबें, जिन्हें यूएसए और अन्य यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाता है, वो किताबें हमारे देश की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद ही पढ़ाई जाती है। और ये बहुत दुखद है, एक ऐसा व्यक्ति जो पिछली सदी का एक महान सामाजिक क्रांतिकारी, विचारक, सुधारक और विशेषज्ञ रहा, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी जाती है, उनके बुक्स, ऐसे और पेपर को देश की जनता से छुपाया जाता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैं हायर एजुकेशन में गया, मगर कभी मैंने किसी प्रोफेसर या टीचर को उनकी किसी किताब का रेफरेंस देते हुए नहीं सुना। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नॉलेज के खजाने को कब तक अंधेरे में रखा जा सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे बाबा साहब की बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये पुस्तक यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सिलेबस में पढ़ाई जाती है। मैंने इस पुस्तक को हिंदी अनुवाद में पढ़ा है, जिसे सविता पाठक ने ट्रांसलेट किया है। ये एक छोटी सी मास्टरपीस पुस्तक है, जिसके पृष्ठों की संख्या मात्र 15 से 20 होगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक के इंट्रो में कहते हैं कि बाहर देशों में लोगों को ये तो मालूम होता है कि छुआछूत होता है, लेकिन उनका डायरेक्ट सामना ना होने की वजह से वो ये नहीं जान सकते कि ये प्रथा कितनी दमनकारी है। ये कुछ इस तरह का हो गया है जैसे हमारे देश के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को पता तो होता है कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन कई बार जो दमनकारी घटनाएं होती है उसे जान नहीं पाते, क्योंकि सीधा सामना नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गाँव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं, हर रोज गाँव का मेला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, गांव को हर मामले में अपना मानते हैं, और फिर भी गांव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। वो कहते हैं, अछूतों के प्रति ऊंची जाति के हिंदुओं के बर्ताव को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सामान्य जानकारी दी जाए। दूसरा, अछूतों के साथ हुए बर्ताव की घटनाओं का वर्णन किया जाए। उन्हें दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर लगा और उन्होंने इस बुक में अपने एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंस को साझा किया है। वो शुरुआत करते हैं उनके कटु अनुभवों के जिक्र से। बचपन में दुःस्वप्न बनी कोरेगांव की यात्रा। डॉक्टर अम्बेडकर शुरुआत करते हैं अपने बचपन की कोरेगांव की यात्रा से, जो उनका कटु अनुभव रहा। वो कहते हैं, उनके पिता ने फौज की नौकरी की और सूबेदार अफसर की रैंक तक पहुँचने के बाद सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उनका परिवार सतारा आ गया, जहां वो 1904 तक रहे। ये घटना 1901 की है, जब उनके पिता खजांची की नौकरी कर रहे थे कोरेगांव में। उन्होंने वहां जाने से पहले अम्बेडकर उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन के दो बेटों को उनकी काकी के जिम्मे छोड़ा था। उनकी काकी एक अच्छी इंसान थी, लेकिन अपनी फिजिकल लिमिटेशन के कारण उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी, जिससे वो खाना पकाने में भी अक्षम थी। अम्बेडकर और उनके तीन भाई बहनों ने पुलाव खाकर काम चलाते थे, क्योंकि उन्हें रोटी बनानी नहीं आती थी। क्योंकि उनके पिताजी को कोरेगांव से सतारा आना मुश्किल था उनके काम के वजह से, तो उन्होंने यंग अम्बेडकर और उनके भाई बहनों को कोरेगांव बुलाया गर्मियों की छुट्टी में, जिसके लिए वो एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। अच्छी खासी तैयारी और नए कपड़ों के साथ वो स्टेशन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुंचने पर उनके बड़े भाई ने टिकट लेकर डॉक्टर अम्बेडकर को दिया, और दो दो आना भी उनके लिए और उनकी बहन के बेटे के लिए, जिससे उनकी मस्ती हो गई और उन्होंने तुरंत नींबू पानी की बोतलें खरीद डाली। उन्हें कहा गया था कि कोरेगांव के पास के स्टेशन मसूर में उतरना है। वो शाम 5 बजे मसूर पहुँचे। ट्रेन स्टेशन पर से सभी यात्री निकल चुके थे और वहाँ खड़े रह गए थे, तो बस अम्बेडकर और उनके भाई बहन, वो अपने पिताजी या उनके चपरासी का वेट कर रहे थे। बहुत देर बाद उनके पास स्टेशन मास्टर आया और उनकी टिकट देखी और उनसे पूछा, वो स्टेशन पर अभी भी क्यों रुके हैं? तो बच्चों ने सारा वृतांत बताया। उनकी भाषा और कपड़ों से कोई नहीं पकड़ सकता था कि वो अछूतों के बच्चे हैं, और स्टेशन मास्टर को लगा वो ब्राह्मण के बच्चे हैं, जिससे वो स्टेशन मास्टर दुखी हुआ। लेकिन हिंदुओं में एक कीड़ा होता है ये पूछने का कि तुम कौन हो। इस पर यंग अम्बेडकर ने तपाक से आंसर दिया, हम महार हैं। फ्रेंड्स, मुंबई प्रेसिडेंटी में महार अनटचेबल माने जाते हैं। ये वाक्य सुनकर स्टेशन मास्टर के हाव भाव चेंज हो गए और वो अपने कमरे में जाकर खड़ा रहा। बाबा साहब की खुशी काफूर हो चुकी थी। और आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उन्होंने पूछा,
आप लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, उन्हें कोरेगांव जाना है। अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए या रास्ता दूर ना हो तो वो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ बैलगाड़ियाँ खड़ी थी, मगर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि वो महार है। उनको पैसों का भी लालच दिया गया, मगर वो माने नहीं। इसका सोल्यूशन स्टेशन मास्टर ने ये निकाला कि गाड़ी वाले को दुगना किराया दिया जाएगा और गाड़ी यही लोग जो हाकेंगे। अम्बेडकर के एक भाई ने गाड़ी संभाली और गाड़ीवान बगल में बैठ गया। रास्ते में एक सूखी नदी मिली, जहाँ गाड़ी वाले ने कहा, यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। गाड़ी वाले ने अपने किराए का एक हिस्सा लेकर खाना खाने के लिए चला गया। दूसरा, बाबा साहब और उनके भाई बहन अपना लाया हुआ टिफिन खाने लगे। उन्होंने आधा खाना खाया था तो उन्हें पानी की ज़रूरत भी थी, तो उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा, जिससे उन्होंने आधा पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ीवान आया और वे फिर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ीवान खुद गाड़ी चलाने लगा, जो पहले अपवित्र होने के डर से मना कर रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। 3 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुके थे, वो डरे हुए थे और अब रात के 10 बज चुके थे और वो डर के मारे सुबकने लगे, मगर गाड़ी वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। बाबा साहब और उनके भाई बहनों को भूख भी लग रही थी, तो थोड़ी देर बाद वो एक चुंगी वाले की झोपड़ी पहुंचे। उनको पानी की ज़रूरत थी, तो बाबा साहब चुंगी वाले से पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये चालाकी काम ना आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से लाओ। अपना सा मुँह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। बाबा साहब कहते हैं, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा था, और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। वो लोग सुबह 8 बजे चले और आखिरकार 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। उनके पिताजी उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें उनके आने की सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने चिट्ठी लिखी भी, मगर उनके नौकर ने चिट्ठी देना भूल गया था। इस घटना से बाबा साहब छुआछूत के बारे में सोचने लगे। वो तब 9 साल के थे। वो कहते हैं, इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था। मैं नल को भी नहीं छू सकता था, उसके लिए चपरासी को होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। ये छोड़ो दोस्तों, धोबी उनके कपड़े नहीं धोते थे, क्योंकि वो कहते थे, हम अछूतों के कपड़े नहीं धोते, और तो और ना ही उनके बाल नहीं काटते थे। ये सारे काम उनकी बड़ी बहन करा करती थी। बाबा साहब को बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली जब वो पश्चिम से अपने देश लौटे। बाबा साहब अपने बड़ौदा में रहने के सामाजिक अनुभवों को बताते हैं। उन्होंने 1913 से 1917 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाई की और 1918 में लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, लेकिन 1918 में अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा, क्योंकि उनका पढ़ाई का खर्चा महाराजा बड़ौदा और बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, तो वो उनकी सेवा करने के लिए मजबूर थे। 5 साल अमरीका और यूरोप में रहने के कारण उनके मन से ये भाव मिट गया था कि वो अछूत है और वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब वो बड़ौदा पहुंचे तो स्टेशन पर उनके दिमाग में कुछ सवाल उनको तंग कर रहे थे, जैसे वो कहाँ जाएंगे और उनको कौन रखेगा। हिंदू होटल उनको रखेंगे नहीं, और वो झूठ बोलकर भी किसी हिंदू होटल में नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि झूठ पकड़ा गया तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि उनके फ्रेंड शायद उन्हें रख ले जो उनके साथ विदेशों में थे, मगर मन का एक कोना कहने लगा शायद वो एक अछूत को घर पर बुलाने में शर्मिंदा महसूस करें। काफ़ी देर कश्मकश के बाद उन्हें पता चला एक पारसी होटल है जहां वो ठहर सकते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होती। वो पारसी सराय पहुंचे, जहां पारसी केयर टेकर ने उन्हें उनका कमरा दिखाया। बाबा साहब को पता नहीं था कि वो सराय सिर्फ पारसी लोगों के लिए थी। केयर टेकर को उनके कपड़े पहनने के ढंग से पता चल गया, तो केयर टेकर ने उनकी पहचान पूछी। ये बताने पर कि वो हिंदू है, वो उन्हें सराय छोड़ने के लिए कहने लगा।
बाबा साहब के कहने पर कि वो केयरटेकर इससे कुछ पैसा ज़्यादा कमाएंगे और रजिस्टर में अंबेडकर अपना कोई पारसी नाम लिख देंगे, तो वो केयरटेकर मान गया। बाबा साहब खुश थे, मगर ये खुशी क्षणिक भर थी। जितने दिन वो वहाँ रहे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिताए। वो उस मंजिल पर अकेले रहते थे, टूटी फूटी कुर्सियाँ, ना कोई लाइट, हॉल कबाड़ से भरा हुआ, घुप अंधेरे में रहते थे, तेल की बत्ती तक नहीं होती थी सिवाय एक छोटे से दिए के। वो हॉल चमगादड़ का आशियाना था जिसकी चैचे की आवाज़ें उनके दिमाग को खींच देती थी। खैर किसी तरह दिन बीते, उन्होंने किताबों के सहारे अपनी तन्हाई को कम किया। वो कभी कभी गुस्से में भर जाते थे और कई बार रोने भी लगते थे। उन्हें ये भी पता था ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने गवर्नमेंट रेजिडेंशियल के लिए भी अप्लाई किया था। आखिरकार वो भयानक दिन आ ही गया जिसकी उन्हें आशंका थी। वो सराय में उनका 11वां दिन था, तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा बहुत सारे गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी, सबके हाथ में डंडे थे। बाबा साहब समझ गए, उन पारसियों ने बाबा साहब पर सवालों की बौछार कर दी, जैसे तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने सराय को गंदा कर दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप खड़े रहे। उन्हें पता था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है और उनकी जान को भी खतरा था। आखिरकार उन्होंने शाम तक कमरा खाली करने की चेतावनी दी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरा दिल बैठ गया, मैं फूट फूट के रोया। वो मेरे लिए कीमती जगह से कम नहीं थी, वो जेल खाने से ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, फिर भी वो मेरे लिए कीमती थी। बाबा साहब कहते हैं उन्होंने अपने हिंदू और क्रिश्चियन फ्रेंड से हेल्प भी मांगी, मगर उन्होंने कोई ना कोई बहाना देकर उन्हें मना कर दिया। उन्हें समझ आया कि कुछ लोग जो क्रिश्चियन हो गए थे उनकी मानसिकता अभी भी कट्टर हिंदू वाली ही थी। आखिरकार रात 8 बजे उन्होंने सराय खाली कर दिया। मात्र 11 दिन के अंदर बाबा साहब को बड़ौदा से बंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो कहते हैं, वे दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नज़रों से दया की भीख मांगते खड़ा हूँ, वो 18 वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आँखों में आंसू ना आ गए हो। उस समय मैंने जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। 40 गांव में आत्मसम्मान, गवारपन और गंभीर दुर्घटना। 1929 में बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दे के जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसके बाबा साहब सदस्य थे। इस कमेटी का काम था हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करना, इसलिए वो धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए गए। वो 40 गांव स्टेशन पहुंचे जहां कुछ दलित लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई। उन्हें वहां से मारवाड़ा जाना था जो 2 मील दूर था, जहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी जिसके ऊपर एक नाला बना था। वहां घोड़ा गाड़ी भी उपलब्ध थी, लेकिन उन्हें वहां 1 घंटा इंतजार करवाया गया। फिर एक घोड़ा गाड़ी पर वो और चालक सिर्फ 2 लोग चल पड़े। तांगा या घोड़ा गाड़ी 200 गज ही चला होगा कि वो एक गाड़ी से भिड़ गया। बाबा साहब को हैरानी हुई कि चालक जो रोजाना गाड़ी चलाता वो इतना नौसिखिया कैसे हो सकता है। खैर किसी तरह वो नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। नदी के पुल के किनारों की दीवारें नहीं थी, जमीन पथरीली थी। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे ना जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा और घोड़ा व गाड़ी सीधे नदी में जा गिरे। वो इतनी तेजी से गिरे कि वो अचेत हो गए और उनका पैर टूट गया, जिसके कारण वो कई दिन तक चल भी नहीं पाए। आखिर ये सब कैसे हुआ? तांगा जो रोज उसी रास्ते से आता जाता था, थोड़ा पता करने पर पता चला कि पहले तो कोई गाड़ीवान किसी अछूत को गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा, महार लोग जिन्हों के यहाँ जाना था अछूतों की बस्ती, वो बाबा साहब को पैदल नहीं चलवाना चाहते थे, तो उन्होंने रास्ता निकाला कि तांगे का मालिक तांगा किराए पर देगा और महार खुद तांगा चलाएगा, जबकि ये उनका पेशा नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला, भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज़्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना। 1934 में बाबा साहब अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ वेरुल की बुद्ध गुफाएं और औरंगाबाद घूमने का प्लान बनाया।
वेरुल जाने के बाद अब उन्हें औरंगाबाद जाना था। रास्ते में दौलताबाद नामक जगह से गुजरना था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक जगह है और इसका किला भी मशहूर है, तो उन्होंने किले को भी देखना चाहा। वो और उनके साथी दौलताबाद पहुंचे। यात्रा के कारण उनके चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे और उन्हें हाथ मुंह धोने का मन था। दौलताबाद किले के फाटक के बाहर एक छोटा टैंक था, तो उन्होंने किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। अब वो किले के अंदर जा रहे थे कि तभी एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, अछूत, तुमने एक टैंक का पानी गंदा कर दिया। थोड़ी देर में बहुत सारे मुसलमान जमा होकर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगे। बाबा साहब और उनके साथियों को पता नहीं था कि ये टैंक अछूतों का नहीं है और मुसलमान वहाँ स्थानीय अछूतों को गालियां दे रहे थे, मगर मुसलमान बात मानने को तैयार नहीं थे और लगातार बर्दाश्त से बाहर होने वाली गाली दे रहे थे। मामला बहुत गड़बड़ा रहा था। तभी एक नौजवान मुसलमान जो लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है, बाबा साहब का धैर्य टूटा और उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सवालों से मुसलमानों पर असर हुआ और वो चुपचाप खड़े रहे। फिर कुछ कार्रवाई के साथ उन्हें किले के अंदर जाने दिया गया, मगर एक सैनिक उनके साथ था और उन्हें किसी भी पानी के स्रोत को छूने से मना किया गया। बाबा साहब कहते हैं, पहले मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। ये जो घटना है बाबा साहब के साथ नहीं घटी, पर किसी अछूत परिवार का अनुभव है। ये घटना यंग इंडिया मैगजीन में 1929 को छपी थी, जो कि आंखें खोलने वाली है। ये घटना एक अछूत शिक्षिका की, जिसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया और हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार ना मिलने के कारण चल बसी। मैगजीन में उस स्त्री का पति कहता है, इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त थे, नब्ज धीमी और छाती फूल रही थी, सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने मना किया कि मैं हरिजन के घर नहीं जाऊंगा। आगे बताते हैं, वो व्यक्ति नगर सेठ के पास गया और ये तय हुआ डॉक्टर को इलाज के लिए 2 रुपये देंगे। डॉक्टर तैयार हुआ, मगर वो बस्ती के बाहर ही आया। मरीज को डायरेक्टली चेक करने के बजाय डॉक्टर ने साथ में बैठे मुसलमान के थ्रू सारी प्रक्रिया की और कहा, पेशेंट को निमोनिया है, और उसने जाने के बाद दवाइयाँ भिजवा दी। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से मना कर दिया, जबकि उसे 2 रुपये दिए गए थे, जो उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि उसकी आखिर मृत्यु हो गई। बाबा साहब कहते हैं, पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वह जिस पेशे से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करता है। गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। एक भंगी लड़का एक बैठक में अपना अनुभव बताता है कि 1936 को बारसाठ तालुका के खेड़ा जिले में मामलादार के कार्यालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ। वो इस बात से अनजान था कि सरकारी दफ्तरों में भी छुआछूत है। वो कहते हैं, जब वो तलाती पद संभालने पहुंचे तो ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान हो गए। वो व्यक्ति कहता है, उस आदमी ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मार चुका होता। आगे वो युवा कहता है, ऑफिस में कार्य करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पानी पीने के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डिब्बों की जिम्मेदारी पानी पिलाने के लिए एक आदमी रखा हुआ था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था, मेरे छूने से पानी दूषित हो जाता, इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। आगे वो व्यक्ति कहता है, उसके लिए सड़ा सा डिब्बा था जो कोई धोता भी नहीं था, और तो और पानी पिलाने वाला खिसक जाता था जब वो देखता कि वो युवा व्यक्ति पानी पीने आ रहा है, और ऐसे बिना पानी पिए उसके कई दिन गुजरते थे। उसे ना कोई ठहरने को जगह मिली और खाने को खाना मिला। ऐसे 4 दिन बीते। ये सब उस व्यक्ति के लिए असहनीय हो गया था
फिर उस व्यक्ति ने 11 मील दूर अपने पूर्वज के घर में ठहरा और रोज 11 मील चलकर ऑफिस आता और जाता था। ऐसा 1.5 महीना चला, फिर उसे एक एक्सपीरियंस तलाकी के पास भेजा गया काम सीखने के लिए, मगर वो उसे 2 महीने तक कोई कार्य नहीं सिखाया। यहाँ तक कि उस गांव में गांव की मुखिया उसका विरोधी था और उससे एक बार कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुआरा करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो, देख लो बेहतर यही होगा नौकरी छोड़ दो। एक दिन वह व्यक्ति जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए तलाती ऑफिस बुलाया गया। वहाँ पहुँचने पर उसको काफ़ी वेट करवाया गया। वो व्यक्ति जिंदगी से तंग आ गया था, अपमान और उपेक्षा से उसका सेल्फ इस्टीम भी खत्म हो चुका था। इंतजार से थक कर वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गया। मुखिया और तलाती ने उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और एक भीड़ ले आए जिसका नेतृत्व एक पढ़ा लिखा लाइब्रेरियन कर रहा था, जो बुरी बुरी गालियाँ दे रहा था क्योंकि वो चेयर उस लाइब्रेरियन की थी। उसने कहा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया। भीड़ उस युवा व्यक्ति को जान से मारने, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी। सारी भीड़ उस व्यक्ति को गाली दे रही थी। उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की कि मगर इसका भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस युवा ने सोचा, मामलादार को एक चिट्ठी लिखूंगा कि इस भीड़ ने मेरा वध किया तो अंतिम संस्कार कैसे हो, और उसने बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया ताकि सबको दिखे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसका लिखे को पढ़ा और फाड़ दिया और उससे कहा, तुम एक भंगी हो, ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। फिर उस युवा व्यक्ति ने कहा, मुझे दया की भीख दो, आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा और नौकरी छोड़ दूंगा। मैं वहाँ रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका गया। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आया। सो फ्रेंड्स, ये बाबा साहब अम्बेडकर की छोटी सी किताब सच में आँखें खोल देने वाली है। उनके अपने अनुभव और दूसरे सामाजिक अनुभवों को दर्शाती है। सच में मेरे पास शब्द नहीं है आगे कुछ कहने को। हमने इस बुक को सरल बनाने के लिए छोटा करके आप तक पहुंचाया है। आशा करता हूँ आपको ऑडियो बुक और समरी पसंद आई हो। तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना ज़रूरी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।